मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाय इंडिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर गोग्रो की तरफ से। ये है गोग्रो का फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक स्मार्ट स्कूटर क्रॉसओवर GX 250। और जितने भी मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे हैं ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बेस्ट, चाहे वो इसके फीचर्स, चाहे वो इसकी क्वालिटी, इवन स्पेस से। अब थोड़े से ना इसकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो थोड़े से हाईलाइट डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर और इवन हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोल वाले स्कूटर भी है ना, सबसे ज़्यादा स्पेशियस, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस है, चाहे फ्रंट में हो चाहे हो इसकी बूट स्पेस, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। और इवन आपको पता है कि यहाँ पे भी आप एक बास्केट लगा सकते हो और इवन पीछे भी। और कमाल की बात है कि 200 kg तक का वेट लोड कर सकते हो। दिस इज़ ह्यूज। मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्कूटर नहीं होगा जो इतना वेट लोड ले सकता है। उसके अलावा इसमें ना चेसी यूज़ की गई है, ऑल टेरेन चेसी, क्योंकि मेड इन इंडिया है तो ऑब्वियसली जो इंडिया की रोड कंडीशन के हिसाब से इसको बनाया गया है, जिस तरह की रोड कंडीशन, मतलब बहुत टाइप की इंडियन की रोड कंडीशन है उस हिसाब से। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मिल जाती है। 14 inch के अलॉय व्हील्स और सस्पेंशन आपको मिल जाती है फ्रंट में, टेलीस्कोप, इस तरह के बहुत ही अमेजिंग इसके फीचर्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बैटरी 7.2 kWh की बैटरी मिल जाती है, और सबसे छोटी बैटरी की बात करें तो 2.5 kWh की बैटरी मिल जाती है। और अगर हम रेंज की बात करें फॉर 2.5 kWh की बैटरी, तो उसमें आपको 111 km की रेंज मिल जाती है। और उसके साथ साथ इसकी जो टॉप स्पीड है, जो 2.5 सबसे छोटी बैटरी है, तो 60+ km/h की स्पीड ये अचीव कर लेती है। उसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा स्कूटर है। इसकी लेंथ है 2 meters, इज ह्यूज, जिसकी वजह से देखो कि इसकी जो सीट्स है ओवन, वो भी आपको इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो 2 person है वो तो कंफर्टेबली इतनी, मतलब आराम से बैठ सकते हैं। और इनकी जो सीट्स देखो, लेंथ वाइज तो है ही, उसके अलावा काफ़ी ब्रॉड है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर तो कोई पतला पर्सन है वो तो इजीली बैठ ही सकता है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है थोड़ा सा भी, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है, प्रॉपर कुशनिंग मिल जाती है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया 2 meter की तो इसकी लेंथ ही होगी, बाकी इसके इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बनाया है, ऑल टेरेन चेसी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के जो रोड्स होते हैं इंडिया के, उस वजह से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी हाई होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि जो स्कूटर का नीचे वाला पार्ट है वो डैमेज ना हो। तो उसकी वजह से 176 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इस स्कूटर को। एंड इस स्कूटर की जो खास बात लगती है वो देखो, सीट्स मैंने बता दिया कंफर्टेबल मिल जाती है, काफ़ी ब्रॉड, इवन लेंथ में भी बहुत ही बढ़िया है। अब ये जो स्प्लिट सीट का बेनिफिट आपको मिलता है कि एक तो देखो अपनी अलग अलग सीट्स है, ऑब्वियसली अपनी अलग अलग स्पेस पे बैठ सकते हैं, दूसरा बेनिफिट ये है कि इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे स्टोरेज स्पेस लगानी है और यहाँ पे बास्केट लगानी है सामान रखने के लिए, जो कि 200 kg तक का ये वेट लोड कर सकती है, इवन हम अगर लॉन्ग ट्रैवल भी करते हैं इसके साथ, फॉर एग्जांपल लॉन्ग राइड पे जाते तो हम अपना बड़ा सूटकेस भी रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखो इस तरह से इसको हम बैक स्पोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके सीट्स का ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्कूटर अभी तक देख रहे हैं जो इतने बेनिफिट्स हमें दे रहा हो। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी स्टोरेज स्पेस, थोड़ा स्टोरेज स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आप स्टोरेज स्पेस लगा सकते हैं, उसके अलावा आपको इसके अंदर भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। अब देखो कितनी ह्यूज स्पेस, मतलब आप यहाँ पे इसमें बड़ा हेलमेट भी, फुल साइज हेलमेट भी रख सकते हो, ऑब्वियसली बाकी सामान भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें ये जो बैटरीज है ना, अब बैटरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें चार्जिंग की कोई टेंशन ही नहीं है। चार्जिंग की टेंशन क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें आपको मिलती है स्वैपेबल बैटरीज, और जब आपकी बैटरी ख़त्म हो गई तो आप जब स्टेशन पे जाते हो, लाइक इनके अलग अलग फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने कहा है कि ये 30 स्टेशन लगा देंगे। इन्होंने एक कोलैबोरेशन करी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ, बिकॉज हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स होंगे वहाँ पे आपको ये स्टेशन मिल जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रॉक्सीमेटली 30 इन्होंने कहा है, जहाँ पे आपको क्या करना है, इन जस्ट सेकेंड्स, मतलब लाइक आप लेस देन 10 seconds में इस बैटरी को स्वैप कर सकते हो और आप देन अपना काम
कंटिन्यू रखो, आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप देखो ना कि जब हम सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं तो चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो एक बार तो चार्ज करके चला लिया हमने स्कूटर, फिर बाद में कितना वेट करना पड़ेगा। अगर हम पेट्रोल पंप पे भी, अगर वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी हो गए तो हमें लाइन में लगना पड़ेगा कितने कितने घंटे। बट इसमें ऐसा नहीं है, कोई लाइन में नहीं लगना, जस्ट इन सेकेंड्स आप बैटरी चेंज करो और देन अपने काम पे वापस। अब थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि इसकी क्वालिटी यूजुअली जो हम इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हैं ना उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की इसमें यूज़ किए गए हैं ना, कुछ भी मतलब कोई भी पार्ट, चाहे सीट्स हो, चाहे इसके बटन्स हो, चाहे हैंडल बार हो, हैंडल बार बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, रबर काइंड ऑफ इसके में मटेरियल यूज़ किया गया है, चाहे इसकी स्क्रीन हो, लाइट सेटअप हो, जो कि आपको LED लाइट मिल जाता है फ्रंट, और इस लाइट को लगाने का मतलब पर्पस ये है, थोड़ा सा नीचे रखा गया इसका जो नीचे रखी गई, डजंट मीन कि इसका जो थ्रो है वो प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपरली थ्रो आपको मिल जाता है और LED इंडिकेटर इवन ऑफ कोर्स मिल जाती है। स्टोरेज स्पेस की बात करी ना, मतलब आई थिंक मोस्ट स्पेशियस इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोस्ट स्पेशियस स्कूटर एवर है ये, बिकॉज यहाँ पे भी आप बास्केट लगा सकते हो, स्टोरेज स्पेस मतलब बना सकते हो। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से आप इस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो, और स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है फ्रंट में, मतलब पूरी बड़ी मोटी बॉटल रख सकते हो और भी सामान रखा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो यूजली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे ना सामान रख देते हैं तो हमारे पैरों के लिए स्पेस होती नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आती है। बट इसका सोल्यूशन भी दिया है गोग्रो ने, जिसकी वजह से यहाँ से आप अटैच कर सकते हो अपने फुटरेस्ट अटैच, मतलब एक्स्ट्रा एक्सेसरी ऐड कर सकते हो। तो ये मुझे बेस्ट सोल्यूशन लगा है, यूजली जब हम आगे बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं, कहते हैं सामान रखो और हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे कि जब यहाँ पे स्पेस खत्म हो जाती है पैरों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील्स के बारे में, जो कि आपको 14 इंच अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, एंड इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम विद ड्यूल डिस्क ब्रेक, यानी कि फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है एंड रियर में भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, और इवन फ्रंट में आपको प्रॉपर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर की जाती है। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने पूरा ध्यान रखा है, पूरी आपको कवरिंग मिल जाती है जिसकी वजह से ये बची रहती हैं। देन रियर में भी आपको ड्यूल सस्पेंशन ऑफर की गई है, यानी कि राइड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इस स्कूटर में ना प्रॉपर सोल्यूशन, आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, ऑब्वियसली जब लॉन्ग राइड पे जाओगे तो आपको अलग अलग रोड कंडीशन मिलेंगी और सामान भी ज़्यादा रखना होगा, तो इस स्कूटर में सारा ही सोल्यूशन आपको मिल जाता है। देन प्रॉपर आपको फुटरेस्ट काफ़ी यूजुअली इतने छोटे छोटे फुटरेस्ट होते हैं, बट इसमें आपको थोड़े से ब्रॉड दिए गए हैं, एंड क्वालिटी इज़ रियली सुपर्ब। एंड दोनों ही आपको स्टैंड मिल जाते हैं, सिंगल स्टैंड भी मिलता है, डबल स्टैंड भी ऑफर किया गया है। जैसे कि मैंने बताया ये स्मार्ट स्कूटर है, थोड़े से इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी आपको स्क्रीन मिल जाती है एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको स्मार्ट की, स्मार्ट लॉक का भी फीचर मिल जाता है। अब इसके जैसे कि ऑब्वियसली इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी ऑफर की गई है, इवन आप इसमें आपको टच ID, फेस ID से भी ओपन हो जाता है ये स्कूटर। उसके अलावा ऑब्वियसली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर की गई है, और एक बड़ा एक खास काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इसका कि फॉर एग्जांपल जब आप ऑब्वियसली सेट करोगे कि आपका बर्थडे कब आता है, जब आपका बर्थडे आएगा तो ये आपके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएगा, और इवन अगर आपने जैसे क्रिसमस होगा, क्रिसमस तो देन ये हैप्पी क्रिसमस सॉन्ग आएगा, whatever, इस तरह का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है इसमें, तो मुझे तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही पसंद आया है, चाहे हम इसके स्मार्ट फीचर्स की बात करें, चाहे इसकी क्वालिटीज की बात करें। और सॉरी मैं ये बताना भूल गई, इसके जो ये मिरर्स है इसका साइज़ भी यूजुअल से थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से और भी विजिबिलिटी रहती है। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब स्पेशियस बहुत है, चाहे कंफर्टेबल बहुत है ये स्कूटर, और सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, एंड क्वालिटी और इवन राइड का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है, बिकॉज इंडियन रोड के हिसाब से लाइक अलग अलग रोड कंडीशन है, चाहे रफ रोड पे चलाना है, इवन वेट रोड पे चलाना है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से मतलब जो भी इंडिया में जब हम राइड करते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज़ें हम फेस करते हैं, उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके इस स्कूटर को बनाया गया है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाया गया है। तो डेफिनेटली मुझे तो पसंद है, आई नो आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। तो आप ज़रूर अपने ओपिनियन दे दिए कि आपको गोरो का ये क्रॉसओवर GX 250 कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।